सभी फ्यूचर मेडिकोज, नीट एस्पिरेंट्स, एफएमजीज और इंडियन मेडिकोज को विद प्रकाश पिनवाल की तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नीट पीजी और एफएमजी के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा, दोनों के मार्किंग में डिफरेंस बताना चाहूँगा। दो दिन पहले हमने हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था और मैंने थोड़ा ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि यदि हम जो 50% है एफएमजी के अंदर क्वालिफाइंग, यदि उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 5%, 10%, 15% और 20% कम करती है तो कितने डॉक्टर्स हमें मिल सकते हैं। इसमें मैंने नीट पीजी को अभी इसलिए स्टैटिक्स में लिया है जिससे कि मैं आपको कंपैरिजन बता सकूं, क्योंकि जो वीडियो डाला था उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के या बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि एफएमजीज के लिए जो भी 50% है वो होना चाहिए। किसी ने 55 भी बोला है, किसी ने 60% भी बोला है कि कम नहीं होना चाहिए। कुछ ने कहा कि एफएमजीज का अच्छा लक है लेकिन इंडियंस का बुरा लक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, परसेंटेज और परसेंटाइल का क्या गेम है, किस तरीके से परसेंटेज और परसेंटाइल के अंदर एफएमजीज जो हैं वो उलझे हुए हैं। पहले उन्होंने काफ़ी 5 से 6 साल सफ़र किया है क्योंकि वो इंडिया में नहीं पढ़ पाए, भले ही उनके पास थोड़ा स्कोर कम हो या फाइनेंशियली उनके पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस पे कर सकते थे। इन स्टूडेंट्स ने अब्रॉड में रशिया, चाइना, यूक्रेन किसी भी कंट्री में अपनी पढ़ाई पूरी की है, विषम परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी की है। इंडिया में कहीं ऐसा टेम्परेचर नहीं रहता -30 या -40 डिग्री तक। इन स्टूडेंट्स ने वहाँ जाके भी अपना या अपने सपनों का या अपना या अपने पेरेंट्स के सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई की, वापस आए और वापस आने के बाद आज वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि कुछ लोग हम में से उन पर उंगली उठाते हैं कि वो पढ़ के नहीं आए हैं या डिग्री इजी वे में लेके आए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को कैसे ये जस्टिफाई करते हैं या वो कैसे अपनी एजुकेशन को जस्टिफाई करते हैं इस एफएमजी एग्ज़ाम के थ्रू। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं नीट पीजी जो अभी हुआ था। नीट पीजी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1,60,888 स्टूडेंट्स थे जिसमें 50% क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, यानी कि 89,549 कैंडिडेट्स थे जो कि 50% तक स्कोर कर सके थे। ये टोटल कैंडिडेट्स का ऑलमोस्ट 55% का क्राइटेरिया है कि 55% स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं जो 50% लाए हैं। इंडिया में नंबर ऑफ सीट्स हैं एमडी में 19,953, एमएस में सीट्स हैं 10,821, पीजी डिप्लोमा में सीट्स हैं 1,979 और डीएनबी सेट में सीटें 1,338, यानी कि टोटल 34,091 सीट्स अभी इंडिया में हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और सभी हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस में मिला के। अब यदि इन स्टूडेंट्स को इन सीटों पर देखा जाता है तो 2.6 के अप्रोक्स जिस स्टूडेंट का नंबर आता है, यानी हर दूसरे के बाद तीसरे के बीच में जो स्टूडेंट्स होगा वो इन किसी भी सीट्स में अपना एडमिशन ले सकता है इस पर उसके फाइनेंशियल कंडीशंस। ये परसेंटाइल के ऊपर है, ध्यान रखिएगा ये परसेंटाइल 50% है। अब मैं बात करूँगा कि एफएमजीज जो हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है ई, मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि एग्जामिनेशन में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर 2019 का डेटा मैंने लिया है जिसमें 15,663 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जिसमें से 1,606 स्टूडेंट का रिजल्ट किसी के डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण विथहेल्ड हो गया था। तो अभी के लिए हम इस डेटा को बाहर रखेंगे और टोटल कैलकुलेट करेंगे 14,057 स्टूडेंट्स को। 4,032 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 150 से अबो स्कोर किया था या 150 से अबो स्कोर करके सभी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद 150 से नीचे जो स्टूडेंट्स हैं वो 149 से लेके कितने भी मार्क्स नीचे रहे सब अनक्वालिफाइड थे। 10,025 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 150 से कम स्कोर था। यदि अब मैं बात करूँ 149, 147 कितने स्टूडेंट्स के थे तो उसका डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 149 मार्क्स 154 स्टूडेंट्स के थे, 148 मार्क्स 159 स्टूडेंट्स के थे, 147 मार्क्स 172 स्टूडेंट्स के, 146 मार्क्स 177 स्टूडेंट्स, 145 मार्क्स 168 स्टूडेंट, यानी सिर्फ 5 मार्क्स का ये गैप देखेंगे तो 830 स्टूडेंट्स हैं इस क्राइटेरिया में जो कि ऑलमोस्ट इसका 20% के अप्रोक्स आता है। अब ये स्टूडेंट्स यदि हम एक क्राइटेरिया की बात करें और जैसे यहाँ परसेंटाइल काउंट की जाती है वैसे ही यदि हाँ यहाँ पे परसेंटाइल काउंट करेंगे तो परसेंटाइल काउंट करने का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड यू, आपसे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 10,025 वो स्टूडेंट हैं जो 150 से नीचे हैं यानी कि 149 पे खड़े होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाई 100, 10,025 स्टूडेंट वो हैं जो 149 पे हैं। इसके बाद 14,057 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने टोटल अपीयर किया था मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ जो फिगर्स आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, 71.31। यदि हम इसको परसेंटाइल में कैलकुलेट करें तो जिस तरीके से यहाँ पर परसेंटाइल में कैलकुलेट किया जाता है, अभी जो 2020 का जो नीट पीजी का था उसकी पहली कट ऑफ थी 340,
जिसको 50 परसेंटाइल काउंट किया गया था, अब मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूँगा ताकि मैं इनको कंपेयर कर पाऊँ FMGs के साथ। इसका फॉर्मूला है मार्क्स सिक्योर्ड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे को परसेंटेज मिलती है 340 मार्क्स, यानी कि 50 परसेंटाइल एज पर मिनिस्ट्री कट ऑफ। मैक्सिमम मार्क्स 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, यदि परसेंटाइल की परसेंटेज की बात हम करेंगे तो 28.33 परसेंटेज आती है। अब इस कट ऑफ को 20 परसेंटाइल और कम किया गया था मिनिस्ट्री की तरफ से, और जो नया कट ऑफ था वो था 275 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई विथ 100। हमारे पास जो स्कोर आता है वो परसेंटेज में आता है 22.91। ये परसेंटेज में है। अब यदि यहीं पे इस परसेंटेज को मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ और मैं ये समानता दिखाना चाहूँ कि नीट पीजी के स्टूडेंट्स के बराबर ही यदि FMGs को स्कोर रखा जाए तो कितने बड़ा डेटा में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे इनका जो 50 परसेंटाइल था वो परसेंटेज में 28.33 आया। अब मैं इस 28.33 को ये कैलकुलेट करूँगा कि यहाँ मार्क्स कितने आएंगे। यदि कोई भी FMG स्टूडेंट 85 मार्क्स लेके आता है आउट ऑफ 300 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो परसेंटेज में ये सेम 28.33 परसेंटेज आते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 85 मार्क्स इन पीजी के स्टूडेंट्स के लिए या पीजी के सीट्स के लिए हैं जो 50 परसेंटाइल हैं बिना किसी रिवीजन कट ऑफ के। रिवाइज्ड कट ऑफ ये है। यदि इसको दोबारा से मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा तो ये 22.91 है। इसी 22.91 को अब मैं FMGs के लिए कैलकुलेट करूँगा कि कितने मार्क्स स्टूडेंट को चाहिए सेम स्कोर करने के लिए। 69 मार्क्स यदि कोई भी FMG स्टूडेंट आउट ऑफ 300 लेके आता है तो वो सेम 23% के सामने खड़ा होता है। अब आप तय कीजिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा वो स्टूडेंट्स, ये 23 यानी 69 मार्क्स मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ इन 14,057 में से हार्डली 57 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके ये मार्क्स नहीं आए होंगे, बाकी सब स्टूडेंट्स के इससे ऊपर के मार्क्स हैं। इसलिए जो भी लोग ये क्राइटेरिया करते हैं या उन स्टूडेंट्स FMGs को एक ऐसी घृणा भरी नज़रों से देखते हैं कि ये पता नहीं कोई एक अपराध करके आए यदि ये बाहर से MBBS करके आए, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ इन सभी स्टूडेंट्स ने अपने आप को जस्टिफाई किया है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप इस स्कोर पे नीट पीजी की सीट दे रहे हैं और ये सभी स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है, ये सभी स्पेशलिस्ट होंगे, देखिए, वेरेज यहाँ ये लोग क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं। ये 71.31 परसेंटाइल है। ये परसेंटाइल आने के बाद भी कम से कम 10,000 में से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 50 परसेंटाइल करने पे आएंगे, यानी 7,029 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यदि यहाँ पे आप 50 परसेंटाइल करते हैं सेम वे में तो 7,029 स्टूडेंट्स टोटल होंगे, जिनमें से 4,032 ऑलरेडी पास हो गए और 2,997 स्टूडेंट्स तो वो हैं जो 50 परसेंटाइल के क्राइटेरिया में आते हैं। और यदि आप इस क्राइटेरिया से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ कम से कम 3,000 स्टूडेंट और बढ़ेंगे। और यदि आप सेम नीट पीजी की इस रिवाइज कट ऑफ को देखेंगे और सेम वे में यदि हम FMG को करेंगे तो मेरे ख्याल से इन 14,057 में से ऑलमोस्ट 14,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आप तय कीजिए कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई किया या इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई किया। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस सिस्टम पे अंगुली उठाएं या हम किसी को बताएं कि इन्होंने कम पढ़े हैं इन्होंने ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि यदि कोई स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ के आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ से टाइम पास करके या पैसे दे के डिग्री लेके आया या ईजी वे में डिग्री लेके आया। ये सभी स्टूडेंट्स 3 से 6 महीने में टोटल 19 सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ये जहाँ पीजी की फाइट करते हैं और वहीं पे ये स्टूडेंट अपने क्वालिफाई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए फ़ाइट करते हैं। यदि ये 71% पे क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप सोचिए ये लोग 22% पे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आप ही तय कीजिए कि किसकी मेहनत ज़्यादा है। यदि किसी को कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिख सकते हैं। यदि किसी को इस तुलना में कुछ कमी नज़र आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।